अरे आ गई तो क्या, थोड़ा इंतजार कर लेंगी। आप अंदर हो? झूमर आ गई, अब दिनेश भी आता होगा, जल्दी उठ जाइए। आप आपके इधर से जा सकती हूँ? जाओ बेटा, जाओ बेटा। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, कपड़े पहन लो। आप कपड़े पहन लो प्लीज। सच में पहन लो? हाँ। क्या हुआ बेटी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ क्या? ये क्या बेटा, ड्रेस नहीं बदली? घर नहीं गई थी क्या? नानी बहुत भूख लगी है। ओ, भूख लगी है बेटा को, अभी परोस के लाती हूँ। लापरवाही की हद है, माँ बाप दोनों कोई चिंता नहीं है इसकी। लड़की कहाँ है कहाँ नहीं, खाना खाया है कि नहीं, मुझे बहुत चिंता होती है सच में इसकी। चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर क्या करें, अपने दामाद को क्या बोले जब अपनी बेटी ही नालायक हो। झूमर, क्यों स्कूल लेने नहीं गए इसको? आप लोगों को तो बस मौका चाहिए झूमर के सामने मेरी बुराई करने का। आज दिनेश की बारी थी इसे स्कूल से लाने की। जैसे तुझे इसकी चिंता नहीं है ना, ऐसे दिनेश को भी नहीं है। अरे रोती बिलकती भूखी प्यासी अकेली आई है स्कूल से। पापा देखो ना, आज दिनेश की बारी थी इसे स्कूल से लाने की, वो भूल गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम लोगों को समझाते समझाते थक गया। स्कूल तो लेने गए नहीं, अब चैन से खाना तो खा लें दो उसको। और भी बहुत काम है मुझे, और तुम्हारा वो निकम्मा भाई वो नहीं ला सकता इसे स्कूल से। बेटी उसकी है या तुम्हारी? जब बच्ची पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों की थी? अनाथों की तरह रह रही माँ बाप के होते हुए। आपको बोला था ना मैंने इसको लेके आने को, क्यों नहीं लेके आए? अच्छा, मेरे पास कोई और काम नहीं है, हैं? अरे शांत हो जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम सबके। झगड़ते हैं, काम बोला था वो भी नहीं हुआ आपसे, बस आके अभी हाथ जताना पड़ता है आपको। तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है इसकी देखभाल करना, मैं सारा नौकर बन गया हूँ यहाँ पे। तय कर लिया करो किसको लाना है किसको ले जाना है। हाँ तो समझाओ अपनी इस बेटी को। बेचारी झूमर, 7 साल की मासूम उम्र में वो सब देख सुन रही थी जो उसकी सोच और समझ दोनों से बिल्कुल बाहर था। उसकी माँ का नाजायज रिश्ता, उसके नाना नानी का उसके माता पिता के प्रति रवैया, इसी सब के बीच एक दिन वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था, झूमर लापता हो गई। झूमर, 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 कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है? यहाँ तो नहीं आई। अरे ना वो घर पे पहुंची, ना वो स्कूल में है, ना प्रिंसिपल को पता, ना वॉचमैन को पता, उसके दोस्तों से पूछा किसी को कुछ नहीं पता है। इसी बात का तो डर था मुझे, एक न एक दिन है ना इनकी लापरवाही का नतीजा झूमर को भुगतना पड़ेगा। मुझे बताइए मेरी बच्ची कहाँ है? आप लोगों ने अपनी बच्ची को आखिरी बार कब देखा था?
सर आखिरी बार जब सुबह उसे स्कूल छोड़ने गए तभी देखा था। उसके बाद दिनेश उसे स्कूल से लाने वाला था तभी से वो गायब है। लेकिन ये हमेशा की तरह भूल गए। अगर मैं काम पे ना होती ना तो मैं खुद ले आती उसे स्कूल से। अरे तुम चुप रहो, बोला ना मैं काम में फंस गया था। काम करो आप, किसी और को दिखाना, काम सारी दुनिया करती है। लेकिन सारी दुनिया मेरी तरह अपने सास ससुर और तुम्हारा बोझ सर पे लेके नहीं घूमती है। बस करो तुम दोनों, यहाँ तमाशा तो मत बनाओ। तमाशा तो मेरा बन गया है इस जैसे इंसान से शादी करके। तो चली जाना किसी और के साथ। कैसे माँ बाप है तुम लोग? तुम्हारी बच्ची गायब है और तुम दोनों को झगड़ा करने से फुर्सत नहीं है। बच्ची की फोटो है आपके पास? जी सर, मेरे पास ये है सर मेरी बच्ची। कॉपीज बना। यस सर। आप लोग बाहर वेट कीजिए। इन लोगों को देख के तो ऐसा लगता है सर लड़की खुद परेशान होकर भाग गई होगी। नहीं गोयल, एक 7 साल की बच्ची घर से भागने की जरूरत नहीं कर सकती। लड़की स्कूल के बाद गायब हुई है, इसलिए हमें स्कूल से ही शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों, ये अंकल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको जो भी पता है सब अंकल को बताएंगे, ठीक है? थैंक्स मैम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आप लोग ये बताइए कि कल आप में से किसने झूमर से बात की थी? किसी से हुई थी? कोई जानता है कि वो कहाँ है? दरअसल वो किसी के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन नीलू उसकी अच्छी फ्रेंड है, शायद उसे कुछ पता हो। बुलाइए नीलू। बेटा यहाँ आओ। नीलू बेटा यहाँ आइए। अच्छा आप एक बात बताइए, झूमर आपकी फ्रेंड है ना? अच्छा कल आपकी उससे कुछ बात हुई थी? Yes, मैथ्स के पीरियड में वो बहुत परेशान थी। सभी ने कॉपी निकाल ली है? Yes, ma'am. सब नोट करिए। झूमर, तू मुझे अपनी पेंसिल देगी? मैं अपनी पेंसिल घर पे भूल आई। मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो रख ले इन्हें, मुझे अब इनकी जरूरी नहीं है। क्यों? मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं भाग जाऊंगी इधर से, तू रख ले ये। नीलू झूमर, क्लास में बात कर रही हो? बिहेव योरसेल्फ। अच्छा बेटा, और कुछ कहा उसने? नो सर। जाइए। ना तो उसका होमवर्क ही पूरा होता था, ना ही वो पढ़ाई पर ध्यान देती थी, बाकी एक्टिविटीज तो दूर, वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी, बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। कुछ भी बोलो या जरा भी उसे डांट दो तो वो डर के मारे अपना पैंट गीला कर देती थी। और एक 7 साल की बच्ची के लिए ऐसा बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल है। कल आपने उसको आखिरी बार कब देखा? आखिरी बार स्कूल छूटने के बाद। अरे झूमर, तू अभी तक घर नहीं गई? घर से कोई आया नहीं क्या? कोई बात नहीं, डर मत, मैं तुझे घर छोड़ दूं। चलेगी मेरे साथ? चलो मेरे साथ बेटा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। क्यों? वो जो लड़की झूमर यहाँ खो गई, उसको आप जानती थी? हाँ साहब, जानती हूँ उसे। स्कूल के बाद जब मैं झाड़ू लगाती थी तो वो अक्सर अकेली बैठी रहती थी, कोई लेने नहीं आता था उसे। और सब एक और बात, एक बार मैंने पियून को उसे डराते हुए देखा था। क्या हो बेटा, क्यों डरा रहा बच्ची को? आपको शर्म नहीं आती है? ठीक है आप जा सकते। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोल रहा है। स्कूल की क्लीनर ने अपनी आंखों से देखा था तुझे उस बच्ची के साथ। कहीं तूने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? ये डर से कि वो बच्ची अपने घर पे मुंह ना खोल दे, तूने उसे मार दिया? नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। मैं तो उसे तंग किया करता था साहब। अरे झूमर, क्या हुआ? आज फिर मम्मी पापा तुम्हें लेने नहीं आए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बैठता हूँ, ठीक है? मुझे तुम्हें कुछ देना है, देखोगी? ये देखो चूहा। मम्मा! क्यों डरा रहा बच्ची को? भगवान की कसम साहब, मैं उसे तंग कर रहा था,
उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साहब मैंने। साहब गलती हो गई साहब। लेके जाओ उसे। क्या करना है सर इसका? इस आदमी पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। नजर रखो इस पे। हमारे देश में हर साल लगभग 1,00,000 बच्चे गायब होते हैं और बदकिस्मती से तकरीबन 45% बच्चों को ढूंढा ही नहीं जा पाता। समय बीतता जा रहा था और झूमर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आखिर कहां थी झूमर और किस हाल में थी? परसों झूमर आपके घर आई थी? जी साहब, स्कूल के बाद शीला उसे यहीं छोड़ गई थी। उसने कुछ कहा? उसका बर्ताव कैसा था उस वक्त? दिन में तो ठीक ही था, लेकिन हाँ शाम को जरूर वो थोड़ी चुप सी थी। क्या हुआ झूमर बेटा? है क्या हुआ? नहीं घबरा क्यों रही है बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या? है क्या हुआ बेटा? अरे क्यों? पता नहीं साहब, उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया था, घर भी वापस नहीं जाना चाह रही थी, यहाँ तक कि दिनेश के साथ भी जाने को तैयार नहीं थी, जबकि सबसे ज्यादा प्यार वो अपने पापा से ही करती है। मुझे नाना नानी के पास जाना है। देखो बेटा बहुत देर हो चुकी, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, चलो जल्दी चलो। बोलो ना नाना, बोलो ना नानी। अगर वो इतना जिद कर रही है तो आज का दिन रहने दो ना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ये है ना मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ भड़काते हैं, इन लोगों की वजह से इंस्पेक्टर साहब मेरी बच्ची मुझसे दूर गई है। उस दिन है ना इन्होंने पता है क्या किया? चलो अच्छा है, कुछ दिन तो घर के संकट से दूर रहेगी। क्या है रे, तुमसे मतलब नहीं है, चलो बेटा। अरे, अरे? बेटा बेटा चल, चल, अरे बेटा, कहां ले दिनेश? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से ले जाने की? हमारी कुछ नहीं लगती। कुछ नहीं लगती, और हाँ एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आज के बाद आप लोगों ने ऐसी हरकत की तो दोनों को किडनैपिंग के केस में अंदर करवा दूंगा, समझे आप? चल बेटा। डॉक्टर साहब मेरी झूमर को ढूंढ के ले आइए, उसके बिना हमारी जिंदगी हमारा ये घर सूना हो गया। अगर आप लोगों ने अपनी बच्ची का ध्यान रखा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। खैर इस घर में और कौन रहता है? नीचे का कमरा हमने किराए पर दिया, उसमें विनीता नाम की किरायेदार रहती है। गोयल इस इलाके में आसपास रहने वाले सभी लोगों से पता करो, क्या उनको झूमर के बारे में कुछ पता है? यस सर। विनीता तुम्हारा नाम है? जी। झूमर को जानती हो? जी, वो आती रहती थी यहाँ पर, मुझसे बात भी करती थी कई बार। फिर से झगड़े सब? मेरी वजह से। चल रोते नहीं, हाँ तुझे क्या पसंद है, रंग ना हम रंगोली बनाए, चले चल। अब चल ले उसे। अब मैं ही लेकर आऊँ, हर जगह मैं ही गलत होती हूँ, आप सब तो दूध के दुले हुए हो। झूमर तुम्हें किसने कहा था बाहर आने को, और कितनी बार कहा है बाहर वालों से दूर रहा करो, चलो घर। विनीता तुम परेशान मत हो, उसकी तो बुद्धि मारी गई है। हाँ उसका कुछ पता चला? परसों जब वो यहाँ पर आई थी तुम्हारी कुछ बात हुई उससे? जी मैं 2-3 दिन से घर से निकली नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दिन भर सोती ही रही तो बात नहीं हो पाई। आप झूमर को जानती हैं? कौन वो बच्ची? हाँ वो अक्सर होते हुए अपने नाना नानी के घर आती थी। इन लोगों की किसी के साथ दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी साहब, ये लोग तो अपने दुश्मन खुद ही हैं। रोज लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रहती थी इनके घर से। जब से दिनेश ने दुकान और घर झूमर के नाम करी है ना, तब से शीला के और उसके बहुत झगड़े होते हैं। शीला को ये बात बिल्कुल पसंद ही नहीं आई है। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की है कि एक छोटी बच्ची के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। अरे तो कौन सा पार्ट टूट पड़ा, अपनी बेटी के नाम ही तो किया मैंने अपनी प्रॉपर्टी, किसी अरे घरे के नाम तो नहीं किया ना। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होने वाला मुझे, अच्छा खासा हूँ मैं, दुकान जा रहा हूँ। आज के जमाने में कौन दामाद अपने ससुराल वालों का खर्चा उठाता है इनके घर में, जिसमें हट्टा कट्टा नौजवान बैठा हुआ है। कौन? अरे वो विनोद, इनका छोटा बेटा, उसको तो आदत पड़ गई है अपने जीजा के टुकड़ों पे पलने की। जीजा जी, जीजा जी, वो
मेरी गाड़ी ठुक गई थी, दो दिन से गैरेज में डली है, 2000 रुपये की जरूरत है, अभी आप दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। आज तक लौटाए तुमने, जो अब लौटाओगे? भिखारी भी भीख मांगता है तो भी कड़ी धूप में मेहनत करता है, आ जाते हो मांगने के लिए, ये लो पूरे 2000 हैं, पकड़ो। अगर ये भिखारियों की तरह पैसा देना है ना, तो अपना पैसा आप अपने पास रखिए, मैं कहीं और से मैनेज कर लूंगा। अरे जाओ जाओ, मेरे टुकड़ों में पड़ते हो, मुझे भी आंखें दिखाते हो। थैंक यू। आपके पड़ोसियों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि पैसों को लेकर विनोद और इनका अक्सर झगड़ा हुआ करता था। सर ये क्या बताएंगे उसके बारे में, मैं बताता हूँ सर, वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, चोरी करता था सर, और सर ये सब करता था वो मेरे पैसों पे, मुझसे उधार मांग के ले जाता था, और अगर पैसे उधार नहीं देता था ना सर, तो दुकान में जाके चोरी करता था। और सर उसकी चोरी के बारे में पहली बार मुझे झूमर ने बताया था। पैसे कहाँ गए? कल मामा ने ले लिए थे। मामा ने? कब? मैं उनको देखा था कल लेते। क्या साला अपने घर में चोरी करता है? छोड़ूंगा नहीं आज। जाजी छोड़िए मुझे। नहीं नहीं छोड़ू। हाँ चोरी करता, चोरी करता तू। हाँ मेरी बात सुनिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। तूने चोरी नहीं की? झूमर ने बोला है मुझे, उसकी बात पे विश्वास है मुझे, वो झूठी बोल सकती है। अरे जी छोड़िए, वो 7 साल की बच्ची, आपको उस पर यकीन है? मुझ पर यकीन नहीं है। अरे यकीन है, वो झूठी बोल सकती है। अरे मार डालेगा क्या, छोड़ना उसको। बस करो बस करो। अरे छोड़िए आप, लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हो। झूमर चल, बहुत तमाशा हो गया आपके। छोड़िए चल बेटा। उसी ने किया है ये, उसे यहाँ पुलिस स्टेशन लाइए सर, उससे अच्छी तरह पूछताछ कीजिए, प्लीज मेरी बच्ची मुझे दिला दीजिए, प्लीज सर। गोयल। यस सर। विनोद को लेकर आ। राइट सर। सर मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की थी और मुझे झूमर पर गुस्सा भी आया था, पर सर मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं कि इतनी सी बात के लिए इतनी छोटी बच्ची से दुश्मनी रखूंगा। काम क्या करता है तू? सर काम ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढ रहा है? सट्टे के अड्डे पे, जानते हैं हम, बहुत कर्जा है तुझ पर। काम धंधा नहीं था तो थोड़े से पैसे उधार ले लिए थे। और वो कर्ज चुकाने के लिए तूने झूमर को किडनैप कर लिया ताकि तू उसके बाप से पैसे अट सके। सर मैं चोर हो सकता हूँ, सट्टेबाज हो सकता हूँ, पर मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। अरे एक बात, झूमर को ना उसका बाप डराता धमकाता था, शायद वो उसका कोई राज जानती थी, आप उसके बाप से क्यों नहीं पूछते, उसी का हाथ है किडनैपिंग में। अच्छा झूमर, वो बात तो तुमने किसी को नहीं बताई ना? नहीं पापा। देखो अगर झूठ बोलोगे ना तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, और पता है भगवान जी नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? ज़बान काट लेते हैं। नहीं बताओगे ना? नहीं पापा। मेरी प्यारी गुड़िया, बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को तू, हाँ? अगर ऐसी कोई बात थी तो तूने पहले हमें क्यों नहीं बताया? बेवकूफ समझता है पुलिस को? नहीं नहीं सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परिवार में दूरियां जरूर थी, लेकिन कुछ राज ऐसे भी थे जो शीला, दिनेश और विनोद पुलिस के साथ साथ एक दूसरे से भी छुपा रहे थे। ऐसे वक्त में पूरे परिवार को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन सभी लोग अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे को छेल रहे थे, और सभी के पास कोई ना कोई वजह जरूर थी इस जुर्म को करने की। झूमर, एक 7 साल की मासूम बच्ची ऐसे लोगों के बीच में थी जो सिर्फ कहने के लिए ही उसका परिवार था। इस केस में 5 किरदार हैं गोयल। झूमर के माता पिता जिनकी आपस में बनती नहीं है, शीला का भाई विनोद जिसको पैसे की इस वक्त बहुत तंगी है, अब बचे हैं सिर्फ नाना नानी जो रिटायर हो चुके हैं और ये सारी प्रॉब्लम से वाकिफ हैं। बोल तुम एक काम करो। यस सर। इस पूरी फैमिली पे नजर रखो और साथ ही साथ झूमर की फोटोग्राफ स्टेट्स के हर पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करो। राइट सर। हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए। यस सर। सर ये वही आदमी है जिसने झूमर को कार में बैठते हुए देखा था। ये झूमर के स्कूल के बाहर रोज बैठता है। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि वो बच्ची झूमर ही थी? ये वही लड़की थी साहब। उस दिन क्या हुआ था? साहब उस दिन वो स्कूल के गेट के पास देर तक बैठी रही और एक कार तेजी से आई
और उस पर बैठ गई। कार कौन सी थी, नंबर नोट किया था? जी नहीं साहब, पर कार काले रंग की थी साहब। ठीक है, जाओ तुम। झूमर अगर उस कार में बैठी है तो उसका मतलब ये है कि उस कार में जो भी था वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। इस तरह की डरी सहमी बच्ची किसी अनजान व्यक्ति के साथ में कार में क्यों बैठेगी? हाँ नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आना, मैं खुद ही आ रही हूँ करुण नाका पे, वहीं मिलो। ओके ओके बाय। तो अंदर कैसे आए? सब बताएंगे पुलिस स्टेशन चल के। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं एक ब्यूटीशियन हूँ और मदन मेरा सिर्फ दोस्त है। तो क्या आपने आशिक घर उसको तू लिपस्टिक लगाने जाती थी? सब जानता हूँ मैं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, अपनी ही बेटी की दुश्मन बन गई तू, सिर्फ इसके लिए कि तेरे पति ने उसके नाम पर सारी जायदाद कर दी। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की है कि एक छोटी बच्ची के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। अरे तो कौन सा पार्ट टूट पड़ा, अपनी बेटी के नाम ही तो किया मैंने अपनी प्रॉपर्टी, किसी अरे गरे के नाम तो नहीं किया ना। तू अच्छी तरह से जानती थी कि तेरी पति की कमजोरी झूमर है, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए तूने उसको किडनैप कर लिया। सर आप क्या कह रहे हैं, कोई भी माँ पैसों के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगी। तो ये नाजायज रिश्ता छुपाने के लिए तुमने और तुम्हारे आशिक ने मिलकर झूमर की किडनैपिंग का प्लान बनाया। सर मैं मानती हूँ मैंने बहुत लापरवाही की झूमर के साथ, मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन झूमर में मेरी जान बचती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। झूमर की किडनैपिंग एक ब्लैक कार से हुई। तेरे पास भी एक ब्लैक कार है? छोड़ दीजिए सर, मैं सच कहता हूँ झूमर ने उसी किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूँ उसकी माँ का और मेरा अफेयर है, पर झूमर को किडनैप करके मुझे क्या मिलेगा? दो दिन से गैराज में गई सर्विसिंग के लिए सर, सॉरी सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। यस सर, गैराज जाके चेक कर, ये सच बोल रहा है या झूठ? मदन सच बोल रहा है, उसकी गाड़ी गैराज में ही थी, अभी गैराज वाले ने कंफर्म किया। हो सकता है मदन और शीला ने किसी और काली गाड़ी का इस्तेमाल किया। इस केस का कोई भी किरदार दूध का धुला नहीं है, सभी पर सर्विलेंस जारी रखी। पुलिस को भी यकीन हो गया था कि झूमर जिस माहौल में पल बढ़ रही थी वो एक बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। हालांकि उसके परिवार वाले दावा तो कर रहे थे कि वो झूमर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन झूमर के प्रति उनका बर्ताव कुछ और ही कह रहा था। पुलिस के शक की सुई सबकी तरफ घूम रही थी, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई मकसद जरूर था झूमर को नुकसान पहुंचाने का। वक्त बीतता जा रहा था और पुलिस के हाथ अब तक कोई कड़ी कोई सबूत नहीं लगा था, और ऐसे में झूमर के परिवार वालों के आपसी रिश्ते और खुलकर सामने आने लगे। सर मैंने दिनेश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, मुझे एक अजीब सी बात मिली सर। कौन सी बात? सर दिनेश लगातार पिछले 3 सालों से एक गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में है। तो उसमें अजीब क्या है? He's a married man. अजीब बात यह है सर कि इस गायनेकोलॉजिस्ट का क्लिनिक शहर से काफी दूर है, कोई अपनी वाइफ को लेकर वहां क्यों जाएगा जबकि शहर में इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। दिनेश अग्रवाल को जानते हो? दिनेश अग्रवाल? हाँ सर मैं उसे जानता हूँ, वो कई बार मेरे पास आया एबॉर्शन की दवाई लेने के। मैंने उसे कई बार समझाया कि एबॉर्शन की दवाइयाँ बार बार लेना खतरे से खाली नहीं है। तुमने उसे गर्भपात की दवाई दी ये जानते हुए कि ये इलीगल है? मुझे लगा कि सर वो बहुत मजबूरी में है सर, इसलिए मैंने दवाई दी सर। मजबूरी में तो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। मिसेज अग्रवाल, आपके पति ने आपको कुछ दवाइयाँ दी थी? दवाइयाँ? कैसी दवाइयाँ सर? अबॉर्शन पिल्स। अबॉर्शन पिल्स मैं क्यों लूंगी सर, मैंने कोई दवाई नहीं ली। आई श्योर?
जी सर। थैंक यू। झूमर को डरा धमका के कौन से राज छुपाना चाहता है तू? सर आप कौन से राज की बात कर रहे हैं? दूध का धुला है तू। एबॉर्शन की दवाइयां किसके लिए लेके गया था? एबॉर्शन की दवाइयां मैंने अपनी बीवी के लिए ली थी सर। बीवी के लिए? तेरी बीवी से मिलके आया हूं मैं, सारी सच्चाई उसने बता दी है मुझे। सर मैं सच कह रहा हूं सर, मेरा यकीन कीजिए सर। सर सर वो दवाइयां मैंने विनीता के लिए ली थी सर। नीचे का कमरा हमने किराए पर दिया, उसमें विनीता नाम की किरायेदार रहती है। विनीता तुम्हारा नाम है? जी। कब से चल रही है नौटंकी? सर 3 साल से। सर झूमर को मेरे और विनीता के बारे में पता चल चुका था सर। झूमर ऐसी बातें किसी से नहीं करती, सिर्फ तुमसे करती, अपनी माँ से। किसी को ना बताने के लिए कही थी। अच्छा झूमर, वो बात तो तुमने किसी को नहीं बताई ना? नहीं पापा। देखो अगर झूठ बोलोगे ना तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, और पता है भगवान जी नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? ज़बान काट लेते हैं। और कुछ नहीं सर। हाँ मैं मानती हूँ दिनेश और मेरे बीच संबंध थे, और झूमर ने सब कुछ देख भी लिया था। दिनेश ने उसे समझाया भी था कि ये बात किसी को ना बताए। मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सपने में भी झूमर को तकलीफ देने के बारे में नहीं सोच सकती। झूमर बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उल्टा मैं तो दिनेश से कहती थी कि तलाक के बाद हो सके तो झूमर हमारे साथ रहे। उसकी माँ बहुत ही लापरवाह औरत है। मैं नहीं चाहती थी कि उसे कभी भी माँ की कमी महसूस हो। झूमर की किडनैपिंग केस में तुम एक सस्पेक्ट हो। ध्यान रहे बगैर हमें बताए तुम इस शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। गोयल कहीं ऐसा तो नहीं कि दिनेश और विनीता के अफेयर के बारे में शीला को मालूम पड़ गया और अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसने झूमर को गायब करवाया? सर ये लोग अपने अपनी जिंदगियों में इतने उलझे हुए हैं कि इन्होंने झूमर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बच्चे की किसी को परवाह नहीं है। इन पे कड़ी नजर रखो। यस सर। इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करवाओ। इनमें से जो भी किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, भले ही कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर की होगी उसने। यस सर। सर कोई खबर? तलाश जारी है सर, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। जल्दी करो क्योंकि जितना वक्त बीतेगा उतना उस लड़की की जान को खतरा बढ़ेगा। ओके सर। हेलो पुलिस स्टेशन, इन्फॉर्मेशन? यस सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था सर, किसी ने 100 नंबर पे फोन करके एक ब्लैक कार के बारे में बताया है, जिसकी डीकी से कुछ आवाज आ रही थी सर, और कार का नंबर भी दिया है। क्वाइट पॉसिबल। तुम एक काम करो, गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक का पता करो और उसके फोन को ट्रेस करो, इससे तुम्हें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। मेक इट फास्ट। कौन? ओके सर।
सर यहीं का लोकेशन ट्रैक हुआ सर, ये एरिया। ये पूरा एरिया चेक करो, ओके क्विक। अभी वो एमपी नगर में घुसा है, पीछे से आओ तुम, पीछे से पेट्रोल पंप वाली गली, वहां से आना। सब 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 मैंने कुछ नहीं किया साहब, सब बोल बच्ची का है, है? बोल बच्ची का है, साहब बच्ची पकड़ इसको, पकड़ साहब, मेरे कुछ नहीं किया साहब, लो सवाल उसको, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बच्ची को मारने की कोशिश नहीं की है, अगर उसको कुछ हो गया तो साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, तुझे याद साहब, साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूमर को तुमने ही किडनैप कराया ना अपने भाई की मदद से। कितनी खुश थी मैं, तो मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर दिनेश खुश नहीं था। समाज और परिवार का बहाना बनाकर उसने मेरा अबॉर्शन कराया, वो भी 3 बार। शादी का झूठा वादा करके मुझे बेवकूफ बनाता रहा, पर 4th बार में नहीं मानी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर इस बार अबॉर्शन कराया तो मैं वहां बनने के काबिल नहीं रहूंगी। पागलपन छोड़ो विनीता, ये दवाई खा लो सब ठीक हो जाएगा। नहीं दिनेश, इस बार नहीं, इस बार मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। अरे 3 महीने हो गए हैं, अब अगर थोड़ा भी वक्त निकाला तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों दिनेश, हाँ हर बार मैं ही क्यों समझू, क्यों हम चोरी छुपे मिलते हैं, क्यों तुम उसे तलाक नहीं दे सकते? मतलब 3 3 परिवारों को एक साथ पालूं और सड़क पे आ जाऊं हैं? अरे तुम क्या खाओगी, तुम्हारा बच्चा क्या खाएगा, समझने की कोशिश करो। मैं क्यों समझू, हाँ मेरा क्या, मेरे बच्चे का क्या, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? लगते हो ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ हमारी जिंदगी, हमारे बच्चे की जिंदगी अच्छी हो, अपने बच्चे को तुम्हें हैं एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। प्लीज ये दवाई पी लो, देखो जिद मत करो, प्लीज पी लो। मैं मजबूर थी इसलिए उसकी बात मैंने फिर मान ली, पर इस बार दवाइयां लेने के बाद बहुत बीमार पड़ गई। थोड़ा पेशेंस रखो, है मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेके आता हूँ, है ना, तुम कंट्रोल करो थोड़ा सा, यहाँ पे हाँ आराम से बैठ जाओ, बस ठीक है, मैं भी लेके आता हूँ। मैं अकेले क्यों तड़पू, मैं अपने बच्चे खोने का दर्द क्यों सहूँ? उसे भी तो पता होना चाहिए कि एक बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। मेरी बच्ची
घबरा मत शीला, अब मैं तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, तेरे साथ हमेशा रहूं, आंखें खोलना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी मिल गई है क्या? ह्यूमर हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? तुमने जो किया उसकी सजा वो भुगत रही है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बार प्लीज मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, मुझ पे दया कीजिए इंस्पेक्टर साहब प्लीज। अपनी बच्ची की जान की फिक्र हो रही तुझे हा? और उन जानों का क्या जिनको दुनिया में आने से पहले ही तूने मार दिया? तुझे तेरे किए की सजा मिल गई है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज एक बार मुझे मिलवा दीजिए अपनी बेटी से। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनो, आप एक बार मिलवा दो मुझे मेरी बच्ची से। झूमर के पिता दिनेश को इलीगल अबॉर्शन के लिए और विनीता और उसके भाई उदय को किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस मानसिक तनाव और पीड़ा से झूमर को गुजरना पड़ा उसके लिए उन सबको जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। एक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है उसका अपना घर, उसका अपना परिवार। लेकिन झूमर जैसे कुछ ऐसे बदनसीब बच्चे भी होते हैं जिनके लिए उनका घर किसी नरक से कम नहीं होता, जिनके लिए माँ बाप भगवान का वरदान नहीं बल्कि श्राप बनकर रह जाते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। इनका आज सवारी है ताकि हमारा आने वाला कल सुंदर और उज्ज्वल। क्यों किसी ने एक 6 साल की मासूम बच्चे की इतनी निर्ममता से हत्या की? और हैरत की बात तो यह है कि 7 सालों तक ना तो सूटकेस में दफनी लाश बरामद हुई और ना ही इस बच्ची का हत्यारा पकड़ा गया। लेकिन 7 सालों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को फिर से रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया और कातिल का पर्दाफाश कर इंसाफ दिलवाया। विक्टिम का नाम नैना सेठ है, ये इनका पति का घर था। फिर मर्डर वेपन? सारा घर छान डाला, कुछ नहीं मिला सर। बेडरूम में कुछ सामान बिखरा पड़ा था, कुछ गए नहीं और कैश गायब थे सब। मतलब बर्गलरी केस और मर्डर, पर बड़ी अजीब बात, चोर या मर्डरर एक वार में भी इन्हें रोक सकता था। अच्छा फोरेंसिक और फोटोग्राफर आ रहे? हाँ साहब आ ही रहे। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, लेकिन आप भी शहर छोड़कर मत जाइएगा, पूछताछ के लिए आपकी जरूरत पड़ सकती है। शिंदे कुठे? खाले साहब, लोकांची विचार कुछ करता है। सर मैं पूरा टाइम गेट पे ही था, कोई नहीं दिखा। मैं एक आदमी नरिया बेबी। पक्का यहीं थे? जी सर। ड्यूटी पे सो तो नहीं गए थे? नहीं नहीं सर, सर पूरा टाइम गेट पे ही था, एक सेकंड के लिए नहीं हिला सर। बिल्डिंग की और कोई एंट्री है? सर ये पीछे का गेट है जो हमेशा बंद रहता है सर। तो ये गेट लांग कर तो कोई भी आ सकता है। कहाँ है कैमरा यहाँ? सर वो कैमरा क्या यहाँ, वो कैमरा ही नहीं है, पीछे की तरफ भी तो कैमरा होना चाहिए ना। तो ब्लाइंड स्पॉट तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो पीछे के पूरे सेक्शन में एक भी कैमरा नहीं है। मतलब मर्डरर शायद वहीं से आया और वहीं से गया होगा। लेकिन शिंदे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो रिया को अपने साथ क्यों ले गया? मतलब बर्गलरी केस है, चोर चोरी करने के इरादे से आता है, मिसेस सेठ सामने आती है, उन्हें मार दिया, पद्मा आई उसे जख्मी कर दिया, उसी तरह वो रिया को भी वहीं छोड़कर जा सकता था।
उसे अपने साथ में ले जाना बेवकूफी भी है और रिस्क भी। शायद हॉस्टेज बनाकर ले गया होगा ताकि जरूरत पड़ी तो बच निकलने में रिया काम आए। अगर वैसा होता तो रिया आसपास ही कहीं मिल जाती, क्योंकि बिल्डिंग से बच निकलने के बाद वो रिया को ज्यादा दूर अपने साथ नहीं ले जाएगी। अनलेस रिया को किडनैप करना ही उसका मोटिव। तो फिर ये रॉबरी वगैरह? पुलिस को गुमराह करने के लिए। वो रिया को ही लेने आया था, माँ बीच में आई तो उसने माँ को मार दिया और फिर रिया को लेके। तो फिर ये चोरी का नहीं, एबडक्शन का केस। लेकिन सर कोई तो देख लेगा दोनों को एक साथ, रिया इतनी आसानी से कैसे चली जाएगी? लेकिन अगर वो दोनों वहाँ थे ही नहीं तो? मतलब ये कि हो सकता है ये पद्मा हमसे झूठ बोल रही, हो सकता है ना रिया वहाँ थी ना वो आदमी, इसीलिए किसी ने उन्हें नहीं, इस पद्मा ने ही चोरी की और उसके बाद मिसेस सेठ को मार दिया और बचने के लिए ये पूरी कहानी बनाई। सर वैसे भी 5 में से 1 मर्डर केस में सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाला आदमी ही मर्डर होता है। यहाँ तो रिया पहले से ही गायब थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिया को गायब करने में पद्मा का हाथ हो? पॉसिबल है। वैसे भी इस मामले की सबसे प्राइम विक्टिम नैना सेठ नहीं बल्कि रिया है। एक काम करो, इस पद्मा का बैकग्राउंड चेक करो, कहाँ रहती है, घर में कौन कौन है, कब आई और इस सेठ परिवार के साथ कब से, सब कुछ। यस सर। और रिया की भी डिटेल्स चेक करना शुरू करते हैं, देखते हैं शायद कोई सस्पेक्ट निकल आए जो रिया को किडनैप करना चाहता। नैना सेठ के हस्बैंड से कोई कॉन्टैक्ट हुआ? नहीं सर, अभी तक नॉट रिचेबल। फोन रिकॉर्ड मांगा सबके? यस सर। देवा समझ जाए, मुझे रिया बेले के बारे में कुछ नहीं मालूम। जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया साहब। मुझे जितनी रिया बेबी की पड़ी है ना उतनी उसके माँ बाप को भी नहीं पड़ी थी साहब। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके माँ बाप को नहीं पड़ी थी? अरे नैना हाँ हो तुम, जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं यार। हाँ चलिए, फास्ट चलिए। मैडम जी हम बेटे को बहुत तेज बुखार है, इसे छठे माले पे डॉक्टर है वहाँ पर दिखा दो। नैना ये तुम्हारी कोई स्टूपिड किटी पार्टी नहीं है यार, डिनर है, चलो जल्दी। दोनों ने मिलकर उस मासूम बच्ची का सत्यानाश कर दिया था। मैं जानती थी कितना रोती थी वो, कितनी दुखी थी वो, क्या मांगती थी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा साथ। पता नहीं रिया बेबी कहाँ होंगे साहब। ठीक है अभी तुम जा सकती हो, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। जी साहब। पता करना पड़ेगा। यस सर। वो इंदर सेठ रिया का बाप वापस आ गया है। अच्छा हुआ मर गई नैना, डिवोर्स मांग रही थी, अब कम से कम मुझे एलिमनी तो नहीं देनी पड़ेगी। और सर आप उस नैना को जानते नहीं थे, एक लालची औरत थी वो। और रिया? चलिए माना पत्नी से नफरत थी, पर बेटी की तो फिक्र होगी ना आपको। शी वॉज ए प्रॉब्लम चाइल्ड, एक मिनट चैन का मैंने नहीं बिताया इसकी और इसकी मां की वजह से। एनीवेज आप नहीं समझे, हमारा एक कांस्टेबल यहां रहेगा पूरे समय, आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, पूछताछ करने के लिए आपकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए इंस्पेक्टर मैं एक बिजी आदमी, जो भी करना है कीजिए, लेकिन इस शहर के अंदर 100% रिया ही नैना का खून कर भागी और इसीलिए अभी तक मिल नहीं रही है। ये आप क्या कह रहे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं इंस्पेक्टर, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, हमेशा तू तू मैं होती रहती थी। Enough is enough रिया, आवाज डीजी करके बात करना रिया मुझसे। Mom please, why you never in my life? Please stop it and please go. इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, तुम्हें हर काम मेरी मर्जी से करना पड़ेगा और ये बात भूल जाओ कि तुम कॉलेज की ट्रिप में जा पाओगी। दोनों एक दूसरे को गाली देती रहती थी और मैं बस खड़ा होकर सुनता रहता था। जिस मर्डर ने इतने वार करके नैना सेठ को मारा उसने पद्मा को सिर्फ एक छोटी सी चोट देकर जिंदा छोड़ दिया, अदब नहीं होता। सर पद्मा के बयान में उसने कहा था कि रिया ने उसे बचाने की कोशिश की थी, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्डर ने उसकी बात सुनकर पद्मा को जिंदा छोड़ दिया हो। अब ये पद्मा या तो उस मर्डर के साथ मिलकर काम कर रही है या फिर ये रिया उस मर्डर के साथ मिली हुई है। वैसे भी वो अपनी माँ से नफरत करती थी, उसके पिता का भी मानना है कि वो अपनी माँ की जान ले सकती है। सर ये प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है, दोनों एक साथ घर से भागना चाहते थे, माँ ने देख लिया तो माँ की भी जान ले ली और इसीलिए शायद कातिल ने इतने वार किए, क्योंकि जब कोई मर्डर इमोशन से जुड़ा होता है तो ऐसा ही होता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी नैना पहले ही वार में मर गई थी, लेकिन फिर भी उस पर इतने सारे वार किए गए। तुम उसकी बिल्डिंग के फ्रेंड्स और कॉलेज में पूछो और टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाओ ताकि सोशल मीडिया में उसके अकाउंट चेक कर सकें।
एक मिनट, ये पेज खोलो। बर्न अलोन विल डाई अलोन, मरने से क्यों डरूं, धोखा तो मुझे लाइफ ने दिया है, जन्म देकर मौत दी, थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे। ये लड़का, इसका नाम पता चल सकता है? नो सर, टैग नहीं किया और ना ही कोई कमेंट्स ना लाइक ना शेयर किया गया। इस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल है। इधर आओ। ए, तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर। क्या सुन रहे थे चुपके से? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं, सच बता, नहीं तो उल्टा लटका के मारूंगा मैं। साहब मैं तो बस सुन रहा था कि कहीं कोई मेरी कंप्लेंट तो नहीं कर रहे हैं। क्यों करेगा कोई कंप्लेंट, कुछ गलत किया होगा इसलिए डर रहा है ना। साहब वो लड़की रिया, मैं उसकी मदद करता था कॉलेज से भाग निकलने में, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे देती थी साहब। कितनी बार हुआ ऐसा? बहुत बार हुआ ऐसा। कभी किसी लड़के के साथ मिलते हुए देखा था, कुछ याद है? हाँ साहब, एक लड़का आता तो था उससे मिलने के लिए। और इस तरह इस मामले में पहली बार पुलिस को एक महत्वपूर्ण बढ़त मिली। लेकिन रिया से अक्सर मिलने वाला वो लड़का कौन था? पद्मा और इंदर पर पुलिस का शक कायम रहा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इस लड़के की खोज उन्हें रिया तक पहुंचाएगी। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा दिए गए ब्यौरे और रिया के फेस पेज अकाउंट की बदौलत पुलिस के पास अब उस रहस्यमय लड़के की तस्वीर थी। सवाल था बस अब उसकी असली पहचान का। सर, रिया के कॉल रिकॉर्ड्स। वैसे ज्यादा लोगों के साथ तो टच में नहीं थी। पद्मा, एक आध क्लासमेट्स और प्राइवेट ट्यूशन को छोड़कर ये दो नंबर सामने आए। ये एक कोई मिसेस रजनी, ये रहा एड्रेस, और दूसरा एक लड़का है आबिर, रजिस्टर्ड एड्रेस है किसी बॉयज हॉस्टल का। इंटरेस्टिंग, चलो दोनों से मिलते हैं। क्या आपके पिताजी? नहीं नहीं, मेरे पति थे। ओह, आई एम सॉरी, मुझे इस समय ऐसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक जांच चल रही है और उसी के सिलसिले में आपसे कुछ बातचीत कर। यस ऑफ कोर्स, बताइए। करीब दो महीने पहले आप किसी रिया सेठ से बातचीत हुई थी आपकी? रिया सेठ? मैं तो ऐसी किसी औरत को नहीं जानती। लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है, उसी के फ़ोन रिकॉर्ड्स में हमें आपका नंबर मिला, कुछ तीन कॉल्स घुमाए गए थे। लेकिन मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती हूँ, हो सकता है रॉन्ग नंबर हो। ठीक है, कुछ याद आए तो बता दीजिए। वैसे क्या उम्र थी आपके पति की? 65 के थे। ओके। ये औरत रजनी खुद है 40 साल की मुश्किल से और पति 65 साल का, अचानक हार्ट अटैक से पति की मौत हो जाती है। नहीं सर, ये रजनी मुझे बहुत डाउटफुल लगी सर। शिंदे, काम करो, किसी को भेज कर उस पर नजर रखो। मैं भी इस एड्रेस पर पहुंच गया हूं। लेकिन ये हॉस्टल नहीं, अनाथ आश्रम है। ओके सर, चलो। यस सर, बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं? मुझे अबीर से मिलना है, बुलाइए उसे। वो तो लापता है ना सर, हमने तो कंप्लेंट भी लिखवाई थी ऑर्फन रूल्स के हिसाब से। लापता है कब से? चार मई से। चार मई से? क्यों सर, कहीं उसने कुछ गलत? आपको ऐसा क्यों लगा? जी ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन वो थोड़ा हाथ से बाहर गया हुआ लड़का है, ड्रग्स की भी लत लगी थी उसे, डिप्रेशन की वजह से अचानक गुस्सा हो जाता है और इतना गुस्सा मानो पागलों जैसा। मुझे अबीर के सारे रिकॉर्ड चाहिए। निकलवाता हूँ सर, अबीर के ऑर्फनेज के रिकॉर्ड। गुड, बट सर 5 साल की उम्र में अनाथ हुआ था, तब से अनाथालय में है। फिर 2008 में उसे अडॉप्ट किया गया था। किसने अडॉप्ट किया? रजनी और हर्ष वधवा ने। रजनी? उसकी छोटी बहन भी है जो पिछले 7 साल से लापता है। दीपा के लापता होने के बाद हर्ष और रजनी का डिवोर्स हो गया, फिर आबिर की कस्टडी हर्ष को दे दी गई, फिर कुछ ही दिनों बाद हर्ष की मौत हो गई, फिर रजनी आबिर की कस्टडी नहीं ले पाई तो कोर्ट ने वापस उसे अनाथालय भेज दिया होगा। मतलब दीपा के गुमशुदगी का केस पिछले 7 सालों से अनसॉल्व्ड है। ऑर्फनेज के वार्डन ने मुझे बताया था कि आबिर काफी हिंसक प्रवृत्ति का था। सर कहीं दीपा के गायब होने में आबिर का ही तो हाथ नहीं है? आबिर तब 11 साल का था। हमारे अंदाजे के मुताबिक आबिर ने नैना को मारा है, तो शायद आबिर ने अपनी बहन को भी।
आखिर इस तरह के हिंसक क्रिमिनल्स अपना पहला गुनाह बचपन में ही कमिट कर लेते हैं सर। आबिर रजनी के कॉन्टेक्ट में था, पर रजनी का कहना है कि वो रिया को नहीं जानती। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही? एक काम करते हैं, इस रजनी से फिर से पूछताछ करते हैं। जी। अबीर और दीपा को मैंने और हर्ष ने गोद लिया था, लेकिन हमारा जल्दी ही डिवोर्स हो गया। फिर हर्ष की मौत हो गई, उसके बाद आपने फिर से शादी की? जी, दो बार। और मेरे दोनों पति अबीर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर मैं उसे अकेले ही बड़ा कर पाती तो एक सेकंड भी नहीं सोचती, घर ले आती उसे। कुछ महीनों पहले आबिर ने आपको कॉन्टेक्ट किया था? 7 महीने पहले एक बार फिर मेरी उससे मुलाकात हुई। अबीर 11 साल का था जब उसे देखा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद से हम कॉन्टेक्ट में थे और मैंने उसे कुछ पैसों से मदद भी की। माँ आखिर माँ ही होती है ना। और रिया का कॉल क्यों आया था? मैं नहीं जानती, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मैं उस लड़की को नहीं जानती। आप कह रहे हैं कि वो अबीर की दोस्त है, तो हो सकता है अबीर ने उसके फोन से मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की हो। अबीर के बारे में हमें ऑर्फनेज से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, पता चला कि आबिर बहुत वायलेंट किस्म का लड़का है, हमेशा गुस्से में रहता है, आसपास के लोग डरते हैं उससे। जब वो आपके साथ होता था तभी भी ऐसा ही था? गुस्सा तो आता था उसे, पर वो जिद थी बेसिकली। वो हर बच्चा करता है, पहले अनाथ, फिर ऑर्फेंस हाउस, फिर हम लोगों के पास आना। इतने सारे बदलाव आए उसके जीवन में, कुछ तो असर पड़ना था ना उसके ऊपर। और दीपा, अबीर की बहन, उसे भी गोद लिया था ना, क्या हुआ उसे? काश मुझे कुछ पता चल पाता। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड लगा था उसे गायब होने में। वो गार्डन में खेल रही थी, मैं बस कुछ समय के लिए किचन में गई, आई, तब तक शी वाज गॉन, वो वहां नहीं थी। क्या आपको लगता है कि दीपा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अबीर का हाथ हो सकता है? नहीं नहीं सर, अबीर बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको अबीर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करे तो हमें बताइएगा। डेफिनेटली सर, मुझे भी उसकी चिंता है, मैं नहीं चाहती कि वो कुछ गलत कर बैठे। सर न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है बार बार कि औरत हमसे कुछ छिपा रही होगी। एक बार बेटा बनाकर उसे गोद लिया था, अब शायद फिर से माँ बनकर उसकी मदद कर रही है। अबीर की हिंसक प्रवृत्ति के बारे में कहने पर देखा था कैसे घबरा गई, तो या तो रजनी खुद उससे डरती है और या फिर उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि आबिर और रिया घर से भागने के फिराक में थे और आबिर के साथ लगाव के कारण उसने भागने में मदद की होगी। रजनी पर नजर रखो, या अबीर पक्का इससे कांटेक्ट करेगा। रजनी निश्चित तौर पर अबीर की मदद कर रही थी और अपने इसी यकीन की वजह से पुलिस ने रजनी पर तकरीबन एक हफ्ते तक नजर रखी, लेकिन फिर रजनी को बार बार एक अनजान घर में जाते हुए देखा गया। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद अबीर उस घर में हो सकता है। जब पुलिस ने आसपास के घरों में पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि उस घर में 78 साल के कोई मिस्टर मखीजा रहते हैं अकेले। इस जानकारी के मिलने के कुछ ही दिनों बाद रजनी को अपने साजो सामान सहित उसी घर में पना लेते हुए देखा गया, लेकिन अब भी ना अबीर की तरफ से रजनी से संपर्क करने की कोई कोशिश की गई थी और ना ही रजनी की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आई थी। सर हमने आसपास के लोगों से, ठेले वालों से, सभी से आबिर के बारे में पूछताछ की, फोटो दिखाई, लेकिन किसी ने आबिर को नहीं पहचाना। सर रजनी का उस घर से या मिस्टर माखी जैसे जो भी ताल्लुक हो, आबिर की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती। रजनी के पिछले एक हफ्ते के कॉल रिकॉर्ड्स सर चेक कर रहे हैं, रोज अपडेट हो रहे हैं, आबिर का कोई कॉल नहीं था। क्या है? सर आपने आबिर के फोन रिकॉर्ड्स में से अननोन नंबर्स की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। आ गया सर, राजेंद्र सिंह, एड्रेस भी मिल गया। राजेंद्र सिंह, कॉल से देखो और बताओ। सर ये दोनों, इन दोनों को तो उसे मैंने गोवा छोड़ा था सर। सर मैं एक्चुअली, मेरा प्राइवेट कार का बिजनेस है ना सर, और ये लड़का तो चर्ची है, हर बार गोवा जाने के लिए मेरी गाड़ी यूज करता था। और लड़की? इस लड़की को तो पहले कभी नहीं देखा सर, उस दिन पहली बार देखा था सर। क्या चल रहा था दोनों के बीच गाड़ी में, ठीक से याद करो। जी ये सब बंद कर वरना। भाई सब ठीक है ना? हाँ बस थोड़ी तबीयत खराब है, तुम गाड़ी चलाओ। ये हाईवे के बाद आगे कोल्हापुर में मेडिकल मिलेगा, रुकना है क्या? तुम सीधा गोवा लेके जाओ, कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है, समझे? ओके। राजेंद्र फोकस करो, ठीक से याद करो, क्या बात कर रहे थे दोनों? कुछ भी अजीब, कुछ भी अलग गाड़ी में दिखाओ। सर खुसुर फुसुर तो चालू था उन लोगों का, फुल टाइम खुसुर फुसुर चालू था। लड़की ऐसा बोल रही थी कि हमने जो किया गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत घबराई हुई थी लड़की सर। और सर लड़का भी बहुत भड़का हुआ था, 3-4 बार लड़की पे बहुत चिल्लाया लड़का। गोवा में कहाँ छोड़ा था? एड्रेस
सर किसी होटल के पास नहीं छोड़ा था, वो वागा बीच है ना, वागा बीच के पास छोड़ा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। शिंदे अगर ये सच है तो फिर रिया की जान को खतरा है। अभी कभी गोवा नहीं, नॉर्थ गोवा हेडक्वार्टर्स में मेरे बैचमेंट है, उनसे असिस्टेंस। तो मैं जरा इस पुराने केस को फिर से स्टडी करता हूँ जो 7 सालों से सुलझा नहीं। तो सर दीपा का मिसिंग केस, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन, अबीर और उसका गुस्सा। चलो सर, आबिर और रिया को पहले ट्रेस करना तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ के लोकल पुलिस के खबरी नेटवर्क टीम बहुत काम आई। एक खबरी ने आबिर को देखा है। उसे ये तो नहीं पता कि आबिर आता कहाँ से है, लेकिन ड्रग्स खरीदने जाता कहाँ है ये उसने देखा है। हमने इस एरिया को लोकेट कर लिया और उस ड्रग्स बेचने वाले आदमी को भी लोकेट कर लिया। पूरी टीम रेडी है, नजर टिकी हुई है, बस अभी यहाँ आबिर और रिया के आने का इंतजार है। ठीक है शिंदे, जैसी जरूरत लगे वैसा करो। जी सर, पर मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से, आबिर का कोई भरोसा नहीं है। यस सर। सर आबिर को पकड़ना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ड्रग डीलर को भी। यस सर। ओके, मुंबई से गोवा आना पड़ा। बोल बोल रिया किधर है? सर मुझे नहीं मालूम रिया के बारे में, मैंने कुछ नहीं किया सर। सब मालूम पड़ जाएगा। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो फिर भी तुझसे सवाल पूछ रहा था। ये सर एक बार शुरू हो जाए ना तो तुझसे सवाल पूछेंगे नहीं, तेरे से जवाब उगलवाएंगे, समझा? मैंने तुझे बोला था ना, लेकिन तू सुना नहीं। अब ये बेल्ट ही तुझसे जवाब उगलवाएगा। भाग गए वो, भाग गई। कहाँ? सर बता नहीं सर, मुझे लगा दैट शी लव्स मी, लेकिन सर नजर बोलने के बाद, मुंबई से भागने के बाद मुझे वापस आके बोलती है कि दैट आई एम ओनली अ फ्रेंड फॉर हर। अरे सर ऐसा कहीं होता है क्या? पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा था मैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, अगले दिन सुबह उठ के देखा सारा पैसा और ज्वेलरी लेकर भाग गई ब्लडी एस्केपिस्ट। तुझे क्या लगता है तू सब बकवास कहानी सुनाएगा और हम लोग मान लेंगे? हमने राजेंद्र से बात कर ली। राजेंद्र? हाँ राजेंद्र, और उसने हमें बताया कि तू किस तरह से रिया को धमकी दे रहा था। अरे सर काय की धमकी सर, वो तो मैं बस उसको बोल रहा था कि अपना मुंह बंद रख, क्योंकि सबके सामने सच्चाई उगल रही थी। और वो भी सर, मैंने उसको ये बोला था कि अपना मुंह बंद रख वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सर कौन सा सच उगल रही? मर्डर का? कैसा मर्डर सर? अबीर भोला मत बन, तूने रिया की मां का मर्डर किया है ना? क्या? या फिर तुम दोनों शामिल थे इसमें? अरे सर ये क्या कुछ भी बोल रहे हो आप, रिया की मम्मी तो तब थी भी नहीं जब हम लोग वहां से निकले। और सर हम लोग का यही प्लान था, सारी ज्वेलरी और कैश लेके निकल जाना कि जब रिया की मम्मी घर पे ना हो। सर हम लोग तंग आ रहे थे, मैं अपने ऑर्फनेज से और रिया अपने मॉम एंड डैड से, इसलिए हम लोग जाना चाहते थे कहीं दूर, टू मेक अ न्यू स्टार्ट। और सर रिया को भी नहीं पता होगा कि उसकी मॉम मर गए। फिर से झूठ? हाँ हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने तुझे खून करके भागते हुए देखा है। आई विटनेस? रिया के घर काम करने वाली बाई पद्मा, उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। जा रही थी? मेरा गांव है वहाँ, मैं उधर से ही हूँ सर। सच सच बताओ। हाय शपथ साहब, मैं गांव ही जा रही थी,
मेरे परिवार के कुछ लोग हैं वहाँ, मुझे अब नहीं रहना यहाँ। रोज रोज रिया बेबी के बारे में सोचकर और वो नालायक इंदर साहब, उनको मजा करते देख मैं ही नहीं देख सकती साहब। एक सच बात बोलो, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि रिया बेबी अब मर चुकी है। जिस हिसाब से उसका फोन वोन नहीं आ रहा है, वो नकित मर गई साहब। रिया के मर्डर का बहाना देके नैना के मर्डर से बचना चाह रही थी तू? रिया के साथ जो लड़का था ना, उसे हमने पकड़ लिया। उसी ने कहा है कि वो दोनों सिर्फ चोरी करना चाहते थे, चोरी किया और भाग गए। बची तू। वो झूठ बोल रहे साहब, वो खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। मैंने जो कुछ भी देखा आपको बता दिया साहब। वो तो मुझे भी मारने की कोशिश किया था। मैं झूठ क्यों बोलेगी साहब? अच्छा, मुझे इसके फोन रिकॉर्ड चाहिए, जिस दिन हमने अबीर को गिरफ्तार किया था उसके एक दिन पहले से लेके आज तक। यस सर। सर, हमने इंदर के फोन रिकॉर्ड्स डिटेल में चेक किया। ऑफिस और दोस्तों के अलावा वो खास किसी के साथ टच में नहीं था। ऑफिस में जाके पूछताछ की तो पता चला कि छोटा मोटा ऑफिस इन्वॉल्वमेंट छोड़कर किसी के साथ कोई अफेयर या सीरियस रिलेशनशिप में वो नहीं था। सो बेसिकली ही इज अ क्लीन गाय, वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। फिर रजनी, रजनी तो खुद ही आउटसाइडर है, नैना को वो नहीं जानती। रजनी का कनेक्शन आबिर से है और उसके थ्रू रिया तक है। अब रिया खुद लापता है। रिया के बारे में पूछताछ करने के लिए हम जब गोवा गए तो पता चला कि किसी ने रिया को देखा ही नहीं। अब रही बात आबिर और पद्मा की, ये आबिर और पद्मा एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आबिर ने हमें कहा था कि जब वो चोरी करने गया था तो नैना घर पे थी ही नहीं, जो कि झूठ है क्योंकि हमारे पास नैना के कॉल डिटेल्स के हिसाब से नैना उस वक्त घर पे मौजूद थी। और पद्मा की बताई हुई कहानी तो हम सबको बताई। सो बेसिकली जब तक रिया नहीं मिल जाती तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। शी इज द की। लेकिन सर हम ढूंढेंगे कैसे? मुझे पक्का यकीन है कि पद्मा गोवा जा रही थी रिया से मिलने, लेकिन ये मानेगी नहीं। इसीलिए पद्मा के लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड मिलना बहुत जरूरी है। हो ना हो अबीर के गिरफ्तार होते ही रिया ने घबरा कर पद्मा को फोन किया हो। शिंदे, मुझे डर है कि कहीं हम रिया तक पहुंचने में देर ना कर। आपने रजनी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, उसका बैकग्राउंड भी चेक हो गया है सर। रजनी के तीनों पति हार्ट अटैक से मरे, तीनों 60 के ऊपर, अकेले और कोई परिवार भी नहीं। अरे रजनी का बैंक स्टेटमेंट हर पति की मौत के बाद बढ़ता ही गया। अब तो नया शिकार ढूंढ लिया उसने, मिस्टर मखीजा, उसी के साथ तो रहती है आजकल। तुमने सही कहा था शिंदे, इस रजनी के मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और कोई केस भी नहीं। कैसे होगा सर, डेथ तो नेचुरल है, मरने के बाद तुरंत बॉडी क्रिमेट कर दी गई, कहाँ से मिलेगा सबूत? सिवाय उसके लास्ट हस्बैंड के, विंसेंट जोन्स, कैथोलिक, मतलब उसकी बॉडी को जलाया नहीं बल्कि दफनाया गया। वो कहते हैं ना शिंदे, क्रिमिनल को हर बार लक की जरूरत पड़ती है पर पुलिस को सिर्फ एक बार। इस विंसेंट की बॉडी निकलवाने का अरेंजमेंट करो। रजनी तो कंसेंट देने से नहीं, कोर्ट से वारंट निकलवाना पड़ेगा। और एक काम और करते हैं, इस अबीर से बात करते, जरा पता करें कि उसको इन वारदातों के बारे में क्या मालूम, शायद इसी के जरिए उसकी लापता बहन की भी गुत्थी सुलझ जाए। यस सर। सर प्लीज, मैं जा सर। सर कितना बिठाओगे सर, अब बस करो ना। जाएगा बाहर जाकर। फिर सुनाशा, हालत देखिए अपनी कैसी हो गई है। आबिर सच बताएगा तो हम तुझे जाने देंगे। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। रजनी के बारे में बता, रजनी के पति कैसे मरे, उनकी मौत में उसका क्या हाथ था? तूने मदद की थी उसकी? अरे नहीं सर। सच बोल। नहीं पता मुझे सर कुछ भी। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी की मदद नहीं की, बस मुझे जाने दो। रिया कहाँ है, जिंदा है या मार दिया उसे रजनी के साथ मिलकर? सर मुझे नहीं पता सर रिया के बारे में। सर प्लीज सर मुझे जाने दो सर। अबीर, अबीर दीपा कहाँ है, तेरी बहन, तूने मारा उसे? दीपू नहीं सर, मैंने दीपू को नहीं मारा सर, और ना ही रिया को मारा सर। तुझे क्या लगता है झूठ बोलकर बच जाएगा? 10 मिनट में रजनी को यहां बुलाता हूं, दोनों माँ बेटे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करूंगा, सारा सच बाहर आ जाएगा। नहीं सर, सर नहीं सर, रजनी को यहां पे मत बुला दे सर, मुझे मार डालेगी सर। सर प्लीज सर, आपके हाथ छोड़ता सर उस,
उसको यहाँ पे मत बुला दे सर, सर प्लीज सर, वो मुझे मार डालेगी सर, प्लीज सर उसको मत बुला दे यहाँ पे सर। अभी स्टेबल है लेकिन कुछ समय तक विड्रॉल सिम्टम्स होते ही रहे। लेकिन सर आपने एक बात नोटिस की, रजनी का नाम सुनते ही उस पर क्या असर हुआ? सर विंसेंट जोन्स, मतलब रजनी के पति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोटेशियम क्लोराइड, इसका मतलब ये हार्ट अटैक नेचुरल नहीं था, ट्रिगर करवाया गया था। पोटेशियम क्लोराइड के इतने बड़े डोज से मिनटों में दिल की धड़कन रुक सकती है। यू मीन मर्डर? यस। एक काम करो, अभी के अभी एक टीम लेकर जाओ और रजनी के घर की तलाशी लो, जहाँ वो अभी रहती है और जहाँ वो पहले रहती है, और उसके बाद उसे पूछताछ के लिए यहाँ लेकर आओ। यस सर। अरे सर आप? सर्च वारंट, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्लोराइड इंजेक्शन? अजीब नहीं है ये रजनी जी, आपके सारे के सारे पति, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीनों के तीनों एक ही तरह से मरे, हार्ट अटैक। शायद मेरे नसीब में। जी नहीं, नसीब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ पोटेशियम क्लोराइड का जरूर हो सकता है। कुछ देशों में मौत की सजा देने के लिए कैदियों को जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है और उसमें ये पोटेशियम क्लोराइड ही होता है ना। और आपका आखिरी पति विंसेंट जोन्स, उसकी बॉडी पर तो सुई का निशान भी मिला है, वही सुई जिससे उसे पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन दिया गया था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पुलिस की एक टीम आपके पुराने घरों पर भी छापे मार रही है। इसीलिए सच कबूल कर लो, वरना जितना झूठ बोलोगी ना उतना ही दर्द होगा जब हम सच उगलवाएंगे। मीना जी रुको, इसकी जरूरत नहीं है। नर्स होने की वजह से मेरे लिए बूढ़े अकेले बीमार पेशेंट ढूंढना बड़ा आसान था। मैं वैसे ही पेशेंट ढूंढती थी जो अमीर हो, जो मरने की कगार पर हो, फिर उसके पैसे मेरे, जायदाद मेरी। और दीपा, उसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता दीपा को क्या हुआ। हमें पता है, हमने अबीर से बात की। देखो अगर तुम अपनी बहन दीपा के बारे में सच सच बताओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ रजनी जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बोलो अबीर, अपने लिए ना सही अपनी बहन दीपा के लिए ही सच बोल दो। देखो मुझे पता है कि तुम जानते हो कि दीपा के साथ क्या हुआ था, सच बता दो। रजनी को सजा मिलेगी और तुम्हें छुटकारा उस घाव से, उस बोझ से जो तुम इतने सालों से झेल रहे हो। अबीर क्या कर रहे हो वहां मिट्टी में? चलो अंदर आओ। मैंने मना किया था ना वहां खेलने से, फिर भी खेल रहे थे। चलो अंदर आ जाओ।
दीपा को क्यों मारा? बोलो। खामोश रहकर कुछ नहीं होगा, बच नहीं पाओगे। अब हमारे पास दीपा की बॉडी है और उससे भी जरूरी एक गवाह, अबीर, जिसने तुम्हें उसकी बहन को मारते हुए देखा है। हर्ष से मैंने उसकी दौलत के लिए शादी की थी, लेकिन उस बूढ़े को अचानक फैमिली की कमी महसूस होने लगी। बाप बनना चाहता था, इसलिए हमने अबीर और दीपा को गोद ले लिया। ना चाहते हुए भी मुझे उसका साथ देना पड़ा। मैं जानती थी कि हर्ष कुछ दिनों में मरने वाला है, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि उसकी सारी जायदाद दीपा और कबीर को मिल जाए। इसलिए मैंने दीपा को मार दिया, और मौका देखकर मैं कबीर को भी मारने वाली थी, लेकिन तभी पता चला कि हर्ष ने मुझे ही धोखा दे दी। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, वो खुद कर्जे में डूबा हुआ था। मैंने उसे तुरंत डिवोर्स दे दिया और अबीर हर्ष के साथ चला गया। लेकिन कुछ दिनों में ही हर्ष की मौत हो गई और अबीर फिर से ऑर्फेंस हाउस चला गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दीपा को मारते हुए अबीर ने मुझे देख लिया था, नहीं तो मैं अबीर को भी नहीं छोड़ती। अब ये बताओ कि नैना के मर्डर और रिया के गायब होने से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानती, रिया और नैना के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। जो सच था वो मैंने कबूल तो कर लिया ना। 7 सालों बाद नन्नी दीपा को इंसाफ मिला। ये बात साबित हो गई थी कि रजनी ने ही दीपा की जान ली, लेकिन नैना की मौत और रिया के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं था। आखिर पुलिस को अपना ध्यान फिर से उन 2 संदिग्धों पर केंद्रित करना पड़ा, पद्मा और अभीर। लेकिन पुलिस के अनुभव और अचूक परख की बदौलत ये गुत्थी भी सुलझ गई। पद्मा के कॉल रिकॉर्ड ये देखो, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल, कोड देखो, गोवा का है। उन्होंने अभीर के अरेस्ट होने के बाद बौखला यू रिया ने पद्मा को कॉल किया होगा गोवा, और इसीलिए वो एकाएक गोवा के लिए निकल पड़ी। एक काम करो, ये लैंडलाइन नंबर्स कहाँ के ट्रेस करो और गोवा पुलिस से वहाँ पर रेड करने को बोलो। यस सर। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैनेजर चाबी दो। क्यों ले जा रहे हो? अरे मैंने सब बता तो दिया। रिया, रिया बेबी तो कैसी है बेबी? रिया बेबी, बेटा घर चलो। कौन सा घर? कोई घर नहीं है मेरा काकी। नहीं बेबी, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारे पापा है ना बेटा? पापा? वो पापा जो यहाँ तक भी नहीं है। कहीं नहीं जाऊंगी काकी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी तुम, अब तुम सीधे जुवेनाइल जेल जाओगी। तुम्हारे बैग से तुम्हारी माँ का खून मिला है। क्या रखा था उसको? मर्डर वेपन। आई एम श्योर उसे तो तुमने ठिकाने लगा ही दिया होगा, लेकिन बैग से खून साफ करना भूल गई है ना? पर साहब, आप बात तो सुनो। कोई फायदा नहीं है, मदद नहीं कर पाओगे उसको, बल्कि तुम भी जेल जाओ रिया को बचाने के जुर्म में, और साथ में अभीर भी। What the hell is this? क्या हो रहा है ये सब यहाँ पर? तुम इतनी चीप हो गई हो कि अब ऐसे लड़कों को घर पर लाने लग गई हो? मॉम रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप बैठो। और तुम गेट आउट फ्रॉम हियर। मॉमी क्या कर रही हो? मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजारू लड़की, तेरी जैसी लड़की मुझे कभी नहीं चाहिए थी। तो मेरी रिश्ते में आ गई हो? मुझे नहीं चाहिए तू। मैं बता लो, कुछ देर के लिए मैं डर गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो भी हो, रिया बेबी को बचाना था। उस घटी औरत की वजह से मैं रिया बेबी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी साहब। तुम लोग जाओ यहाँ से, भागो जल्दी से, लोगों को लगेगा कि चोर आया था। रिया बेबी की जिंदगी तो पहले से सजा थी, मैं तो बस एक मौका देना चाहती थी उसे जीने के लिए। लेकिन तुम्हारे इस मौके ने रिया का भला कम बुरा ज्यादा किया है। तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ रिया, लेकिन तुम्हें भी समझना जरूरी है कि तुम्हारे इसी गुस्से ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी।
वो क्रोध ही था जिसकी वजह से रिया और उसकी माँ के बीच में दरार पैदा हुई। वो क्रोध ही था जिससे उत्तेजित होकर इंदर ने अपनी पत्नी नैना पर जोर जबरदस्ती की, जिसके परिणामवश रिया का जन्म हुआ और उसी क्षण से नैना ने रिया से मुंह मोड़ लिया। रिया को अपने किए की सजा मिली जिसे काटकर अब वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। अतीत में मिले जख्मों को अभीर भुला चुका है, अब वो दोनों साथ में हैं, अब वो यतीम नहीं है। जिस तरह से एक नवजात पौधा जीवित रहने के लिए धूप और पानी पर निर्भर होता है, उसी तरह से इस दुनिया में जन्मे हर इंसान का विकास उसे मिलने वाले प्यार और परवरिश पर निर्भर होता है। बच्चों को जब प्यार नहीं मिलता, सही परवरिश नहीं मिलती, तो ये खाली जगह भर जाती है क्रोध से और इसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।